कल आपको इस चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन, इसकी लिंकिंग 9th और 10th से, इस चैप्टर को समझने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसके बारे में करीब 45-50 मिनट की एक वीडियो थी, 27 तारीख को इवनिंग में बना के मैंने दी थी। पर्पज सिर्फ यही है कि आज जब आप घर पर बैठे हुए हैं तो किसी न किसी तरीके से ये आपके पास पहुंचे, आप इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद आप अपना ध्यान एनसीईआरटी में लगाएं, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का दूसरा नाम है। कोई भी विश्व गुरु आपको कितना भी पढ़ा ले, मैथमेटिक्स वो एक चीज है कि जैसे एक भूखे आदमी को तब तक भूख खत्म नहीं होती जब तक वो खाना खुद नहीं खाता, मैथमेटिक्स जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका उतना ही ज्यादा शार्प होता चला जाएगा। वैसे तो ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए खास तौर पे। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, जो 27 तारीख को मैंने अपने घर पे बना के डाली थी, अब मैं आपको इस एनसीईआरटी की क्वेश्चंस के सॉल्यूशन टॉपिक वाइज और हर एग्जाम्पल के धीरे धीरे आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको कहीं भी एनसीईआरटी के लेवल पे या उससे आगे प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम ना आए। जैसे मेरे सामने पहला एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का रियल नंबर्स पेज नंबर 5 पे, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ। हमने फाइंड करना है क्या एचसीएफ किसका, 4052, और साथ में जो दूसरा नंबर है वो है 12576। यू नो इट वेरी वेल, आपको बताया गया था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की एप्लीकेशन यानी स्टेप्स में अप्लाई करने के प्रोसीजर को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं क्विकली, तो क्या है कि अगर ए और बी दो अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मान लो ए बी से बड़ा है, तो ए और बी के लॉन्ग डिवीजन के प्रोसेस में एक नंबर क्यू और एक नंबर आर जरूर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, और जहां पे आर जो होगा वो डिवाइजर से कम होगा, जीरो या उससे ज्यादा होगा। ये आपको कल के वीडियो में, 27 तारीख के वीडियो में, इंट्रोडक्टरी वीडियो में चैप्टर के स्टार्टिंग पे आपको बताया गया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये होता है। तो यहां पे आपको बताया कि ए जो होता है वो बड़ा होता है बी से। एनसीईआरटी का जो पहला एग्जाम्पल है पहले चैप्टर का पेज नंबर 5 पे, वो है कि एचसीएफ बताओ 4052 का और 12576 का यूजिंग द मेथड ऑफ यूक्लिड्स एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज द एप्लीकेशन ऑफ द लेमा। तो यहां क्लियर हो गया, क्योंकि ए बी से बड़ा होता है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगा 12576 और बी हो जाएगा 4052। ए हो गया, बी हो गया, रूल क्या लगता है, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ये मैंने पहले बताया था कि आप रफ में यहां पर लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस लगा सकते हैं, जैसे 4052 से आप 12576 को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये होगा 3 समथिंग और जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 420। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं डिविडेंड 12576 इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर छोटा वाला नंबर 4052 इंटू कोसेंट क्या आया 3 प्लस रिमाइंडर 420। अभी रिमाइंडर जीरो नहीं आया और हमारा डिवीजन प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर जीरो आएगा तो समझ लो जो लास्ट वाला डिवाइजर है वो आपके उस क्वेश्चन का एचसीएफ होगा, यानी आपने यूक्लिड्स एल्गोरिथम का पूरा यूज कर लिया। अब यहां पे आपको बताया कि ये प्रीवियस डिवाइजर है, तो 4052 डिवाइजर इक्वल्स टू डिविडेंड, इस सिचुएशन में ये हमारा जो 4052 पहला वाला डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया, जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन गया 420। 420 को आप जब डिवाइड करोगे 420 से 4052 को, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अब की बार आएगा 9 और यहां जो रिमाइंडर होगा वो होगा 272। तो
दिस विल बी 9 + 272 डिविडेंड 4052 डिवाइजर पहला वाला रिमाइंडर 420 कोसेंट 9 रिमाइंडर 272। अब आपको वही जो रिमाइंडर है 272 ये आपका क्या बन गया डिवाइजर और जो पहला वाला डिवाइजर था वो क्या बन गया डिविडेंड। तो आप इसको कैसे लेके चलेंगे 272 इक्वल्स टू सॉरी 420 इक्वल्स टू 272 इंटू 1 बिकॉज 420 को 272 से डिवाइड करेंगे तो 1 जा प्लस रिमाइंडर विल बी 148। अब ये जो 148 रिमाइंडर है ये तो बन जाएगा आपका डिवाइजर और जो 272 आपका डिवाइजर था वो हो जाएगा डिविडेंड। तो ये हो गया 272 इक्वल्स टू 148 क्योंकि यहां पे 1 जा समथिंग एंड रिमाइंडर 148 यानी कि अब आप 148 से 272 को डिवाइड करोगे तो अब की बार क्या आएगा यहां पे 1 ये 1 होगा और रिमाइंडर क्या रह जाएगा 24 देख लो आप 8 4 12 4 2 6 और 1 7 और ये अब ये 148 अब की बार क्या हो गया डिविडेंड जो 24 है ये क्या हो गया डिवाइजर इंटू कोसाइन ये आ जाएगा हमारा 24 इंटू 5 प्लस 4 24 पंजे 120 प्लस 4 सॉरी यहां पे आ जाएगा आपका ये 124 इंटू इट इज 124 सॉरी इट इज नॉट 24 इट इज 124 so you can say here that 148 is equal to 124 into 1 plus 24 24 48। अब की बार ये जो 124 है डिविडेंड ये जो 24 है डिवाइजर 24 पंजे 120 प्लस 4 अब 24 डिविडेंड 4 डिवाइजर 6 कोसेंट रिमाइंडर 0 इस स्टेज पे आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो 4 है ये आपका क्या बन गया HCF ऑफ 12,576 एंड 4,052 इन दोनों का जो HCF है तो आपको याद रखना है कि आप यहां साइड में ना जो भी आपका पेपर वर्क करना है रफ वर्क आपका यहां हो जाएगा कॉपी में और ये स्टेटमेंट लिखने के बाद यू कैन बिगन लाइक दिस एंड यू कैन डू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये आपका एक क्वेश्चन मैंने बताया कि आपको हर क्वेश्चन एनसीईआरटी का हर एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन हम धीरे धीरे स्टेप्स में सॉल्व करेंगे और आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो यू विल स्टार्ट एंजॉइंग दिस। इसके बाद आपके पास मैंने बताया था कल कि लेमा और एल्गोरिथम ये दो चीज होती है। लेमा होता है जब क्वेश्चन को हमें इन जनरल प्रूव करना होता है और एल्गोरिथम होता है जब हम किसी क्वेश्चन को पर्टिकुलरली डिजिट्स के लिए सॉल्व करते हैं जैसा मैंने अभी ये एग्जांपल नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 5 पे आपके सामने सॉल्व किया है। नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी दैट इज सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q ये प्रूव करना है कि 2q की फॉर्म के नंबर जो होंगे वो हमारे क्या होंगे इवन और 2q प्लस 1 की फॉर्म का नंबर क्या होगा ऑड। ये कल भी आपको बताया था जब हम आपको समझा रहे थे कि किसी भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं और ये डिसाइड करना हो कि इवन क्या है और ऑड क्या है तो इवन की पहचान क्या होती है कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाए पूरा डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर 0 या कोई नंबर 2 का मल्टीपल है एग्जैक्टली तो इवन और अगर 2 का मल्टीपल है साथ में रिमाइंडर 1 है तो वो नंबर होगा ऑड। दैट्स वेरी क्लियर। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको ये पता है कि यहां 2q दिखा तो इसका मतलब 2 क्या है डिवाइडर तो मैंने क्या एज्यूम किया लेट ए बी एनी इंटीजर लेट ए
बी एनी इंटीजर। तो ए अगर इंटीजर है और टू अगर डिवाइजर है तो इसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू टू इंटू क्यू प्लस आर। ये कुछ डिवीजन लेमा, लॉन्ग डिवीजन काइंड ऑफ थिंग। और क्योंकि डिवाइजर टू है तो ये जो रिमाइंडर है या तो ये जीरो होगा या ये रिमाइंडर एक होगा, क्योंकि रिमाइंडर दो या दो से ज्यादा नहीं हो सकता, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। तो पहला केस आप लें कि अगर आर का आंसर जीरो आप लेते हैं तो आपका जो नंबर ए एज्यूम किया हुआ है वो क्या हो जाएगा, टू क्यू प्लस जीरो, टू क्यू प्लस जीरो, क्योंकि रिमाइंडर जीरो है, नंबर टू का डायरेक्ट मल्टीपल है, तो टू क्यू की फॉर्म का नंबर कैसा काउंट किया जाएगा, इवन। ये कल भी आपको कई बार बताया था मैंने जब एक क्वेश्चन जनरल लेमा का मैंने कराया है। फिर आता है कि अगर आर का आंसर एक है तो ये जो नंबर आपका ए है ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ए इज इक्वल टू टू क्यू प्लस वन, एक आंसर हो जाएगा टू क्यू प्लस वन। अब रिमाइंडर क्योंकि वन है यानी नंबर दो से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर वन मिल रहा है, तो इसका मतलब दिस विल बी कंसीडर्ड एज ऑड। तो आपका क्या हुआ कि अगर ए कोई भी इंटीजर है, 2q की फॉर्म में है तो इवन होगा, 2q प्लस 1 है तो वो ऑड होगा। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये था आपका एग्जांपल नंबर 2, एनसीईआरटी पेज नंबर 6। पहला एग्जांपल कराया, ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया। आप वीडियो का यही फायदा होता है कि आप इसे बार बार देख के पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार क्लास में कोई चीज निकल गई तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, या आपको कोई पूछने में बाकी के सामने ऐसा लगेगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होता। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने ट्यूटर से, अपने गुरुजनों से, अपने बहन भाई से, सभी से हेल्प ले सकते हैं। और इवन इफ यू विश टू आस्क मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन राइट इट टू मी, आई विल ट्राई जितना मेरे से पॉसिबल होगा। नाउ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 3। ये एग्जाम्पल 3 क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। ये वही बच्चों पेज नंबर 6 है, पेज नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 की फॉर्म में है तो वो नंबर ऑड होगा। समझे आप कि जब किसी भी नंबर को क्यू, एक एनी इंटीजर, एक इंटीजर को 4 से इंटू करोगे और 1 ऐड करोगे तो वो आपका ऑड आएगा, 4 से इंटू करोगे किसी क्यू को और 3 ऐड करोगे तो भी ऑड आएगा। हमें ये दिखाना है कि जो नंबर 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं वो नंबर हमारे ऑड हो गए। लेट अस ट्राई, तरीका वही है, प्रोसीजर वही है, थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा हमें काइंड ऑफ कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, थोड़ा क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, बहुत सारी बीमारियों के आंसर्स उनके क्वेश्चंस में ही होते हैं। आपको पता है कि जो रावण की मौत का आंसर उसके घमंड में छिपा हुआ था, तो इसी तरह से ये जो क्यू है आप जानते हो कोसाइन, 4 डिवाइजर, इसका मतलब 4 डिवाइजर है, डिवाइजर अगर 4 है तो आपको रिमाइंडर्स कितने लेने पड़ेंगे, या तो 0 या 1 या 2 या 3, तो 4 केस बनेंगे। अब हम इस 4q प्लस r को एक नंबर मान लेते हैं कि लेट a इज एनी नंबर, ये मान लिया लेट a बी एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a इक्वल्स टू 4 इंटू क्यू प्लस आर, जो r का आंसर है 4 से कम है और 0 या उससे ज्यादा है। समझ रहे हो ना, क्यों मैंने क्यों लिया, क्योंकि 4 मुझे दिख रहा था 4q प्लस r, तो a इक्वल्स टू 4q प्लस r, ये थोड़ा सा आपको टिक ढूंढनी पड़ेगी, यहां क्या लेना है 4 लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि यहां 4 दे रखा था। a इक्वल टू 4q प्लस r, r का आंसर रिमाइंडर आप जानते हो डिवाइजर से कम यानी 4 से कम और 0 या उससे ज्यादा, तो आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, 0, 1, 2, 3, तो यहां पे आपको
जैसे कल वाले क्वेश्चन में मैंने 6 केस किए थे, इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, केसेस लेते हैं, टोटल हाउ मेनी 4। पहला केस आता है आपका केस 1, अगर r की वैल्यू 0 है तो a का आंसर आ जाएगा 4q+0, a विल बी 4q+0। देखो आपको बहुत अच्छा रहेगा घर में बैठ के बिना होमवर्क के, आप घर पर बैठ के अध्ययन करते रहिए, सिलेबस को आगे बढ़ाते रहिए, ये सारी समस्याएं देश की खत्म हो जाएंगी। आप लोग अपने पेरेंट्स को कोऑपरेट करिएगा और ट्राई टू गो ऑन दो साइड्स विच आर एब्सोल्युटली नॉन कॉमर्शियल। मेरा घर पर बैठ के जो काम करने का पर्पज है सिर्फ वो है कि आप लोगों के पास किसी तरह से कुछ छोटी मोटी चीजें पहुंचे, एब्सोल्युटली नथिंग एल्स। तो ये आ गया 4q+0, जैसे मैंने बताया आर का आंसर 0 ले लो, आपने यहां 0 डाला, 0 डालने के बाद हो गया a = 4q+0। प्रश्न है कि a कोई नंबर है वो ये है और प्रूव करना है कि ये इस फॉर्म में ऑड इवन होते हैं। वापस हम कहां गए, इवन और ऑड पे, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इवन और ऑड क्या होता है, इवन वो होता है जो 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, ऑड वो होता है जो 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 आ जाए। तो यानी अल्टीमेटली हमें 2 का मल्टीपल ढूंढना है। तो देखो बच्चों ये हो गया 4q+0, दैट इज 2 × 2q+0, मैंने 2 का मल्टीपल, 4 को मैंने लिख दिया 2 × 2q। तो अब ये सबको दिख रहा है कि जो a है वो क्या होगा, 2 × 2q+0, यानी 2 का मल्टीपल है, आप इसे लिख सकते हो = 2m+0। परेशान होने की तो कोई बात ही नहीं है, 2q को मैंने एक नया नंबर मान लिया, नया इंटीजर m मान लिया, 2 का मल्टीपल प्लस 0, तो भाइयों ये क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ रहा है, 2 का मल्टीपल है, तो ये नंबर क्या हो गया, इवन हो गया ना। तो आपको क्लैरिटी बन गई कि अगर नंबर 4q+0 यानी सिर्फ 4q की फॉर्म में है तो कैसा है, इवन। अब मेरा केस 2 की तरफ जाता हूं आपके लिए, आई विल टेक द केस इफ r इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन ये है कि अगर r का आंसर 1 है, r का आंसर 1 है तो इसका मतलब हो जाएगा 4q+1, क्योंकि मुझे 2 का मल्टीपल ही हेल्प करता है इवन और ऑड डिसाइड करने में, तो 4q+1 को मैंने लिख दिया 2 × 2q+1, इसको मैंने लिख दिया 2 × m+1, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 2q को एक नया इंटीजर मान सकता हूं क्योंकि 2 एक इंटीजर है और q भी एक गिवन इंटीजर है, तो 2 और q दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी इंटीजर होता है, ये तो आप जानते हो अच्छी तरह से कि 2 इंटीजर्स का सम इंटीजर, 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट इंटीजर, 2 इंटीजर्स का माइनस इंटीजर, 2 इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो वो नंबर मे और मे नॉट बी इंटीजर, इसलिए उसका नाम दे दिया जाता है रैशनल नंबर, सब्जेक्टेड टू कंडीशन कि नीचे वाला इंटीजर जीरो, डिनोमिनेटर वाला इंटीजर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब मेरे भाइयों ये हो गया 2 × m+1, यानी 2 का मल्टीपल प्लस 1, अगर ये 2 का मल्टीपल प्लस 1 है तो इसको हम क्या करेंगे भाई, क्योंकि 2 का मल्टीपल प्लस 1 यानी कि रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पर 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो कंफ्यूजन आएगा, वी विल से दिस इज ऑड। तो आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ द फॉर्म 4q+1 इज ऑड। पहला पोर्शन यही करना है ना कि 4q+1 की फॉर्म का नंबर ऑड होता है। आपको केस तो सारे लेने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है आप डायरेक्ट स्किप करके 3 पे चले जाएं, You have to take r equal to 2. आपको ये शो करना है कौन सा है और कौन सा नहीं है। देखो अब आपको क्या होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, a = क्या लिखेंगे आप यहां पे, 4q+2, मुझे 2 का मल्टीपल ढूंढना है, इसमें ओवरऑल 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने यहां से 2 कॉमन ले लिया, तो ये नंबर बन गया 2q+1। 2q+1 को अब की बारी m मान लो क्योंकि m की जरिए है, वेयर m इज नथिंग बट 2q+1, ये मेंशन कर देने यहां पे, वेयर m इज 2q+1, 2 का मल्टीपल प्लस 0, इवन की डेफिनेशन, इवन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो भाई ये नंबर क्या हो गया आपका, इवन। तो क्या कहोगे कि अगर 4q+2 है तो वो कैसा हो गया हमारा, इवन हो गया। कम टू r = 3, अब देखिए थोड़ा आपको तकलीफ होगी इस केस में, थोड़ी सी एक चीज सोचनी पड़ेगी, वो क्या है, आर का आंसर 3 डाल दो यहां पे, जैसे ही आप आर यहां 3 डालोगे तो बच्चों ये हो जाएगा a = 4q+3। करना क्या है, डिसाइड,
क्या डिसाइड करना है, इवन और ऑड, और इवन और ऑड डिसाइड करने के लिए डिवाइजर क्या होना चाहिए, टू। डिवाइजर टू है तो रिमाइंडर या तो जीरो होगा या वन होगा। यहां पे हमें लास्ट में नंबर जो दिख रहा है ये तीन है, दो से ज्यादा है, तो इसके टुकड़े कर दीजिए। फोर क्यूब, इस थ्री को लिख दो टू प्लस वन, और यहां से टू कॉमन ले लो, टू कॉमन लिया तो ये बन गया टू इंटू टू क्यू प्लस वन प्लस वन। तो अल्टीमेटली टू इंटू टू क्यू प्लस वन हो गया, तो क्या हो गया, टू का मल्टीपल प्लस वन। जब ये टू का मल्टीपल प्लस वन है तो कैसा हो गया, ऑड। तो यहां पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत क्या करनी पड़ी है, याद है ना, अभी तक तो जब रिमाइंडर जीरो था तो रिमाइंडर को ब्रेक नहीं करना पड़ा, वन था तो भी ब्रेक नहीं करना पड़ा, टू था इसलिए ब्रेक नहीं करना पड़ा क्योंकि टू पूरा कॉमन आ गया, थ्री था तो ब्रेक करना पड़ गया, टू प्लस वन, टू का मल्टीपल अलग और बाकी पोर्शन अलग, टू कॉमन लिया टू इंटू टू क्यू प्लस वन। टू एक नेचुरल नंबर है, हर नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, हर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है, हर रैशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो टू क्यू प्लस वन ये एक इंटीजर है, क्यू इंटू टू इंटीजर प्लस वन इज द इंटीजर, इंटीजर इंटू टू इज टू एम प्लस वन, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑड हो गया। तो आपकी समझ में क्या आया कि जब हमारा फोर क्यू प्लस वन की फॉर्म आई थी तब ऑड हुआ था, और फोर क्यू प्लस थ्री की फॉर्म आई है तब ऑड हुआ है। अब देखो एक बड़ी छोटी सी बात है, इसी सवाल को कोई आपसे ऐसे पूछ सकता है कि नंबर्स ऑफ द फॉर्म फोर क्यू प्लस वन और फोर क्यू प्लस थ्री आर नॉट इवन। क्वेश्चन को एक लाइन, एक स्टेटमेंट छोटी सी ट्विस्ट करनी है, तो दैट इज व्हेन यू विल प्रैक्टिस, तो आपको ये ऐसे लगेगा जैसे आपने फूंक मारी और क्वेश्चन हो गया। तो आप आराम से देखते रहो, जितनी बार में वीडियो में क्वेश्चन समझ में आता है उतनी बार देखिएगा, टाइम की आपके पास कमी नहीं है, जब भी टाइम बचता है तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन भी करें। मेडिटेशन करने से ये फायदा होगा कि आपको समझने में आसानी होगी, आपका ध्यान अच्छा लगेगा, एंड यू विल फील गुड। और जब आप अच्छा फील करेंगे, अच्छे मन से पढ़ेंगे, तो आपको चीज अच्छी समझ में आएगी। ये एग्जाम्पल थ्री पेज नंबर छह एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर हो गया। अब इसके बाद में देखता हूं कि अगला एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल नंबर फोर है वो क्या है, तो एनसीईआरटी उठाते हैं और एनसीईआरटी उठा के आपको बताते हैं कि ये जो एग्जाम्पल नंबर फोर है ये पेज नंबर छह पे है, ये रियल नंबर्स की पहली एक्सरसाइज से पहले का लास्ट एग्जाम्पल है। मैं आपके लिए ये एग्जाम्पल पढ़ रहा हूं, आप पहले स्लोली समझें कि इसमें क्या करना है और क्यों करना है। अ स्वीट सेलर है 420 काजू की बर्फी, वेरी गुड, कुछ तो अच्छा है मैथ्स में, अब तक तो लग ही नहीं रहा था कि मैथ्स में कोई मिठाई भी आ सकती है। एंड 130 बादाम बर्फी, 130 काजू, और अब आपके सामने आ गए बादाम। तो ये काजू बादाम का क्वेश्चन हो गया, अ स्वीट सेलर है 420 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी, सी वॉन्ट टू स्टेक them in such a way that each steak has the same number and they take up the least area of tray. तो least area of tray, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इसका क्या निकालना है, HCF find करना है कि कम से कम जगह गिरे और हम उसको tray में किसी तरह से adjust कर लें। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि the area of the tray, फाइंड द नंबर ऑफ स्टेक्स, तो 420 पहला नंबर है, 130 दूसरा नंबर है, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ क्यों फाइंड करना है, क्योंकि वो जो स्टेक्स हैं वो बराबर बराबर आने चाहिए। द प्रॉब्लम इज कि हम ये जानते हैं एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा, इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर
वेयर R इज लेस देन B बट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को बार बार सुनेंगे तो ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ना, ये आपको वैसे ही बार बार ध्वनि आपके कानों में जाएगी, तो आपको ये रट जाएगा, आपको याद हो जाएगा। जनरली ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो धड़ लगा देते हैं और हो जाता है। वैसे इस क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको यूक्लिड से ही इसका एलसीएम निकालना है, आप इसका प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, आप इसका कोई भी अप्रोच लगा के निकाल सकते हैं एलसीएम। लेकिन यस, क्योंकि हम उस चैप्टर को कर रहे हैं और उस चैप्टर में बेस्ड है, तो मैं पहले लेमा समझा दिया आपको। ए तो हो गया आपका 420, बी हो गया 130, तो डिविडेंड डिवाइजर पहले केस में, तो डिविडेंड 420, डिवाइजर 130, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट। कोसेंट कितना है आपका यहां पे आएगा 3, 130 गुणा 3 390, तो रिमाइंडर क्या रह जाएगा आपका 30। अब की बारी 130 क्या हो जाएगा आपका डिविडेंड, 30 क्या हो जाएगा डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 3 × 12 = 120 प्लस क्या रहेगा यहां पे 10। अब आपके लिए क्या हो गया डिविडेंड 30 डिवाइजर 10 इंटू 3 प्लस 0, हो गया काम आपका। देखो बड़ा सिंपल है, लास्ट वाला डिवाइजर 10, क्योंकि यहां रिमाइंडर क्या है 0, तो रिमाइंड ये जो 10 है ये एलसीएफ आ गया, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेक्स इज व्हाट 10। तो इस तरह से आपको मैंने थोड़ा टाइम लगा के बताया कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, इनकी कंडीशंस क्या होती हैं, इनपैक्ट किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और एनसीईआरटी के जो पहले कितने एग्जांपल्स कराए हैं मैंने, जितने भी थे सारे कराए, बट आई एम टेलिंग यू एग्जांपल नंबर 4, ये मैंने 4 एग्जांपल्स वन बाय वन मैंने आपको समझाए हैं। और हमारा जो एनसीईआरटी के पहले चैप्टर रियल नंबर्स का जो पहला सब टॉपिक है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, वो मैंने आपको बताया है। अब इन्हीं दोनों के ऊपर बेस्ड है इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 1.1 ऑन पेज नंबर 7। तो पेज नंबर 7 पे जो एक्सरसाइज है, मैं आपको वो एक्सरसाइज भी कराता हूं, क्योंकि हो सकता है आपको करने में कहीं कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी आए, तो बेटर है जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन अटक रहा है, ये भूल गया हूं, ये कॉपी में से कहीं से उड़ गया है, किसी ने दोस्त ने मेरी कॉपी चुराई नहीं है, गलती से ले गया है, ऐसी कोई बात होती है, तो आप आराम से वीडियो पे जाएं और ध्यान रहे कि ये किसी ने 28 तारीख को हमें बताया था और कोरोना का टाइम चल रहा था तो बहुत अच्छा हुआ, और ये प्योरली एक मेरा वॉलेंटियर घर से एफर्ट है, और 100% कोई इसका कभी भी मैं कॉमर्शियल यूज करने वाला नहीं हूं, और वैसे भी मुझे लगता है कि कॉमर्शियल तो क्या है, क्योंकि मेरे से तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस और लेक्चर्स लोगों ने पहले ही अपलोड कर रखे हैं, आप वहां से भी पढ़िए, और कभी थोड़ा सा लगता है कि वहां से बोर हो गए हो, थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं थोड़ा कम अच्छा पढ़ना है, तो आप इधर भी आ सकते हो। जैसे एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 और मैं नंबर मेंशन कर देता हूं कि ये हमारा पेज नंबर है 7। पेज नंबर 7 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और इस क्वेश्चन नंबर 1 की जो रिक्वायरमेंट है क्या है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके एचसीएफ फाइंड करो, किस किस का 135 एंड 255 फर्स्ट पार्ट, सेकेंड 196 एंड 38,220 थर्ड पार्ट, वो है 867 एंड 255। ये यहां पे 255 नहीं है, आई एम सॉरी, ये 225 है और ये 255 है। चलिए आपको बताते हैं कि इसमें से क्योंकि मैं एल्गोरिथम के काफी क्वेश्चन करा सका हूं, ये और ये तीन क्वेश्चन है। एक मैंने कल के वीडियो में शुरुआत में छोटा सा एग्जांपल लेके शायद 12:35 या कुछ ऐसा था समझाया था मैंने क्वेश्चन, एक मैंने आज एग्जांपल 1 में समझाया है, और मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन मैं आपको आज इसमें से फर्स्ट पार्ट करा देता हूं। इसकी वजह है क्योंकि ये थोड़ा काफी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो ये मेरे लिए काफी आसान रहेगा, टाइम कम लगेगा, और बड़ा वाला टेढ़ा वाला काम मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आप लोग आराम से कर लेंगे।
क्योंकि मैंने बताया था कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। और दूसरों की हेल्प करिएगा, और ध्यान रखो जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं तो 2 या 3 बच्चों के ग्रुप में बैठ के जब आप आपस में सॉल्व करोगे तो पूरी दुनिया में उससे अच्छी स्टडी का जो पैटर्न है वो कहीं हो नहीं सकता। ना आपको कोई क्लैरिटी टीचर, कोई गाइडर, कोई प्रोफेसर, कोई नहीं करा सकता जितना बच्चे आपस में खुद 3-4 बच्चे मन से, ऐसा नहीं है वहां बैठ के फिर बातें करना शुरू कर दो। तो अभी इस सवाल को मैं लेता हूं बच्चों आपके लिए, 135 और 255 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेप वाइज यूज करने को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। आई एम गोइंग टू रिकॉल यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, याद हो जाएगा। इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक नंबर क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, वेयर आर इज छोटा देन बी, बड़ा या बराबर देन जीरो, रिमाइंडर 0 या उससे ज्यादा होगा और बी यानी डिवाइडर से कम होगा। ए और बी दो अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जी हमारे पास, 135 है जी और 255 है जी। ये जो जी 255 है ये ए ले लेंगे क्योंकि बड़ा है, और 135 को हम बी ले लेते हैं। ए और बी लेने के बाद बच्चों डिवीजन एल्गोरिथम, मैंने आपको बताया है कि डिवीजन एल्गोरिथम को एक्सटेंड करके ही हमारा लॉन्ग डिवीजन को एक्सटेंड करके ये डिवीजन एल्गोरिथम बना हुआ है। ये आपका हो गया 225 डिविडेंड, डिवाइजर हो गया 135, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर रह गया 90। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, साइड में आप रफ में इसको लॉन्ग डिवीजन को ऐसे ड्रामा आराम से कर सकते हैं, यहां करिएगा उसको यहां ऐसे एक्सप्रेस कर दो और आपका काम हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ये सही भी हो जाएगा, आराम से भी हो जाएगा। और यहाँ आपको स्टेप्स में जैसा आपके सीबीएसई या आपके स्कूल के टीचर्स या मेरे जैसे लोग चाहते हैं कि बच्चा ऐसे लिखे तो वो प्रोबेबिलिटी गलत होने की कम होगी, पहले आप इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर लेना। अब की बात, ये पुराना डिवाइजर 135 क्या बन गया जी, डिविडेंड, पुराना रिमाइंडर क्या बन गया जी, डिवाइजर इंटू 1 प्लस डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इंटू कोसेंट। अब 135 को 90 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 45 आ गया। अब की बारी, जो पुराना डिवाइजर था 90 इज इक्वल टू पुराना रिमाइंडर डिवाइजर इंटू कोसेंट 2 प्लस 0, हो गया जी काम आपका। लास्ट वाला डिवाइजर हमेशा क्या कहा जाता है, लास्ट डिवाइजर इज नोन एज द एचसीएफ, हेंस द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज 45। और भाई बड़ी सिंपल सी बात है, मैं ये दो पार्ट स्किप कर रहा हूं, इसकी सिर्फ वजह यह है कि आप थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लोगे और जो वीडियो पे कंटेंट है वो लोड थोड़ा कम होगा। आप मेरे से पूछेंगे तो मैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा, वैसे ऐसा होगा नहीं कि आपसे ये सॉल्व ना हो। तो अब मैं ये जो क्वेश्चन 1 है इसको खत्म मान के चलता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी बात इतनी जरूर मानेंगे कि इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को अपने घर पे सॉल्व जरूर करेंगे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। देखिए इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे, लेमा से। क्यों? क्योंकि ये जनरल है, विद डिजिट्स विद नंबर्स पर्टिकुलर नहीं है, ये इसके अंदर जनरलाइजेशन है क्यू से। आपको पता है लेमा से करना है तो लेमा याद भी रखना पड़ेगा, लेमा में कई बार बता चुका हूं फिर लेमा बता रहा हूं। इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां आर का आंसर बी यानी रिमाइंडर डिवाइजर से कम और रिमाइंडर 0 या उससे ज्यादा। तो क्लैरिटी हुई, डिवीजन लेमा ये कहता है कि अगर ए और बी दो अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स हैं
तो उन पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी के लिए अगर ए बी से बड़ा है तो दो यूनिक नंबर क्यू और आर एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां आर का आंसर जो डिवाइजर है उससे कम होता है और रिमाइंडर से ज्यादा होता है। यहां पर मेरे को एक बात याद आ गई है, ये इक्वेशन है और एक आइडेंटिटी होती है। इक्वेशन और आइडेंटिटी में फर्क सिर्फ इतना होता है कि इक्वेशन वह एक पर्टिकुलर इक्वालिटी है जो सर्टन नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए ट्रू होती है, जबकि आइडेंटिटी सारे वेरिएबल्स के लिए, इनफाइनाइट वेरिएबल की वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। तो ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी है कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क है। इक्वेशन इज दैट रिलेशन ऑफ इक्वलिटी इन विच द पर्टिकुलर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ वेरिएबल वेरीफाई, बट इन केस ऑफ आइडेंटिटी इट सेटिस्फाइड फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बीच में यहां पे कुछ लेके चल रहा हूं, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू सेवन, तो ये क्या है, इट इज ट्रू ओनली फॉर एक्स इज इक्वल टू फाइव। अगर मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, इट इज ट्रू ओनली फॉर एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू माइनस टू। यानी ये सिर्फ एक के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, ये सिर्फ दो के लिए। तो जो इक्वेशन होगी वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए ही सेटिस्फाइड होगी, जैसे एक पे यानी एक्स इक्वल टू पांच पे, ये दो वैल्यूज दो और माइनस दो पे। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं कि एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, तो भाई ये आइडेंटिटी है बच्चों, ये आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी में एक्स दोनों साइड कुछ भी डाल दो, जीरो डाल दो, हाफ डाल दो, वन डाल दो, पॉइंट वन डाल दो, माइनस डाल दो, वट एवर यू विल पुट, एलएचएस आरएचएस विल ऑलवेज रिमेन वेरीफाइड। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि आइडेंटिटी वो इक्वलिटी का रिलेशन है जो एक्स की, मैं एक्स क्यों यूज कर रहा हूं कि वो वेरिएबल है, जनरली हम सब लोगों को आदत पड़ी हुई है एक्स लेने की, जो एक्स की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है। लेकिन जो इक्वेशन है वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं और इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, इसमें जो भी रियल वैल्यू आप मान के चलोगे उस पर ये वेरीफाई होगा आइडेंटिटी में, लेकिन इक्वेशन में वो वेरीफाई नहीं होगा, इक्वेशन में वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में वेरीफाई होगा। कमिंग बैक टू माई ओरिजिनल थिंग, जो टास्क मुझे आज आपको करके दिखाना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर टू है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सो दैट अ नंबर ऑफ द फॉर्म सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव, इस तरह का जो एक्सप्रेशन है सिक्स इंटू इंटीजर प्लस वन या सिक्स इंटू सम इंटीजर प्लस थ्री या सिक्स इंटू कोई भी इंटीजर प्लस फाइव, वो हमेशा ऑड होगा। ये प्रूव करके दिखाना है कि इस तरह की जो वैल्यूज हैं वो किस में आती हैं, ऑड में। अच्छी बात है जी, ए इज ग्रेटर देन बी, क्यू एंड आर दो यूनिक नंबर्स हैं, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, आर की ये कंडीशन है, बहुत बार बता दिया है। यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना, आपको जो बी है डिवाइजर छह लेना है, तो लेट ए बी एनी इंटीजर, लेट ए बी एनी इंटीजर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर आर का आंसर जीरो है, अगर आर का आंसर जीरो है, पहला केस, क्योंकि आपको पता है यहां आर की वैल्यू जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो नहीं सकती क्योंकि सिक्स डिवाइड है, छह केस हैं जी यहां पे। आर जीरो है तो ये नंबर ए क्या हो गया, सिक्स क्यू प्लस जीरो क्या हो गया, टू इंटू थ्री क्यू प्लस जीरो क्या हो गया जी, टू का मल्टीपल प्लस जीरो। इवन और ऑड कई बार बताया है, कोई नंबर दो से मल्टीप्लाई हो और प्लस जीरो यानी रिमाइंडर जीरो हो, किसी कोई भी नंबर जो टू का डायरेक्ट मल्टीपल हो, रिमाइंडर कुछ ना हो, टू से डिवाइड करें रिमाइंडर जीरो आए, तो ऐसा नंबर क्या होता है, इवन। तो क्लियर हो गया कि सिक्स क्यू प्लस जीरो यानी सिक्स क्यू इज द इवन फॉर्म। फिर आता है आर, अगर मैं वन लेता हूं तो क्या हो जाएगा, सिक्स क्यू प्लस वन, ए इज इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस वन,
ये जो 6q+1 है इसको क्या लिखेंगे, 2 × 3q+1। भाई ये जो 6q है ये हो गया 2 × 3q, 2 का मल्टीपल प्लस 1, यानी आपने लिख दिया ऐसे 2m+1। अगर ये 2m+1 है तो इसका मतलब 2 का मल्टीपल प्लस 1, तो 2 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1 आया, तो ऐसा नंबर क्या हो जाएगा ऑड। केस अगला ले लो, r = 2, तो a हो गया 6q+2, उसको लिख दिया 2 × 3q+1, यानी 2 का डायरेक्ट मल्टीपल प्लस 0, यानी 2m+0, तो कैसा नंबर हो गया ये इवन। अगला केस लीजिए जी, r = 3, तो a = क्या हो गया 6q+3। अब यहां सोचना है इवन और ऑड डिसाइड करने के लिए डिवाइजर होता है 2, तो इसका नंबर इसे मुझे 2 से कम में और 2 में ब्रेक करना पड़ेगा। ये हो गया 6q+2+1, और यहां से 2 कॉमन उठा लिया तो ये हो जाएगा 3q+1+1, यानी 2 का मल्टीपल प्लस 1, दैट इज व्हाट ऑड। क्लियर? अगर आप r का आंसर 4 लेते हैं तो a की वैल्यू हो जाएगी 6q+4, और अगर a की वैल्यू 6q+4 है तो यहां 2 का डायरेक्ट कॉमन आ रहा है। आप कहोगे यहां क्यों नहीं ब्रेक कर रहे, क्योंकि 2 का डायरेक्ट मल्टीपल है, इसलिए इसको 2+2 में ब्रेक नहीं कर रहा। ये हो गया 3q+2, ये हो जाएगा 2m, विच इज व्हाट इवन। अगर आप r का आंसर 5 लेते हैं तो a क्या हो जाएगा 6q+5। अब इस 5 को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि 5 2 का डायरेक्ट मल्टीपल नहीं है और 2 का मल्टीपल में दिखाना है, तो इसे लिखेंगे 6q+4+1। यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 3q+2+1, दैट इज 2 का मल्टीपल प्लस 1, तो ये क्या बन गया आपका, ये ऑड हो गया। तो आप यहां देखो ना जरा ध्यान से कि 6q+1 कैसा आ रहा है ऑड, उससे पहले इवन, फिर 6q+3 क्या आ रहा है ऑड, और 6q+5 क्या आ रहा है ऑड। इसका मतलब नंबर्स ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5 आर ऑड। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। अब मैं आपको एनसीईआरटी का इसी पेज पे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे और 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आपको शायद ये टॉपिक समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह से है, जिसकी मैं आपको हिंट दूंगा करना क्या है। क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके सामने। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, और वो मार्च करना है उनको बिहाइंड आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन द परेड। टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है, दो ग्रुप्स में मार्च करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बड़ा क्लियर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, इसका एचसीएफ किसका 616 और 32, 616 और 32 का आप एचसीएफ निकाल देंगे तो आपका जो एचसीएफ आएगा दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इट इज नॉट अ टफ जॉब, पेपर में अगर आता है तो जब तक ये ना लिखा हो कि इसमें यूक्लिड्स एल्गोरिथम लगाओ तब तक तो कोई ऐसी बात नहीं है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को आप जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो विद योर परमिशन आई एम ट्राइंग टू स्किप द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दो आई टोल्ड यू व्हाट एंड व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड। नाउ गोइंग टू सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। ये कहता है किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m+1 की फॉर्म में होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट नहीं है, स्क्वायर करके दिखाना, 3 डिवाइजर दिख गया, दिमाग में आ गया लेट ए इज एनी
पॉजिटिव इंटीजर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3q plus r सब्जेक्टेड टू कंडीशन के r का आंसर 3 से कम है, 0 या उससे ज्यादा है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर विच कैन बी एक्सप्रेस एज 3q plus r, क्योंकि 3 मुझे यहां से हिंट मिल गई, क्या था ये डिवाइजर 3q plus r। r जो है वो क्या है, हमारा रिमाइंडर है, वो रिमाइंडर 0 या उससे ज्यादा होता है, डिवाइजर यानी 3 है उससे कम होगा, तो 3 केस बन गए 0, 1 और 2। सवाल को लो जी, पहला केस, केस वन क्या है, अगर r का आंसर 0 है, अगर आपका r का आंसर 0 है तो आपका a का आंसर आ जाएगा 3q plus 0। सवाल में शुरुआत में यहां क्या लिखा हुआ है, आपके पास सबके पास आपकी बाइबल है, एनसीईआरटी जिसको हम अपनी बाइबल कहते हैं क्लास 10th की, उस बाइबल में लिखा हुआ है, ये प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एक्सरसाइज 1.1 कि प्रूव करो किसी भी नंबर का स्क्वायर, या तो इस फॉर्म में होगा 3m और 3m plus 1 स्क्वायर। तो भाई इसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, लेकिन मुझे तो 3 का मल्टीपल दिखा रहा है, तो 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 into, और बचा हुआ पोर्शन क्या हो गया 3q स्क्वायर। ये जो 3q स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m, तो ये क्या हो गया हमारा 3m। तो a इज एन पॉजिटिव इंटीजर, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज स्क्वायर is giving you 9q square. 9q square can be written as 3 into 3q square. 3q square is m, so this become 3m. Hence, square of a number. Square this. A square is coming in the form of 3m. जहां मैं 3q square को m assume कर रहा हूं, क्योंकि 3 एक integer है, q एक integer है, तो 3q square एक integer है, तो 3q square integer का एक नया नाम मैंने m दे दिया. M एक integer है. M is the value of 3q square. Case 2 ले लीजिए जी. Case 2 में क्या है कि जब r का आंसर 1 हो, r अगर 1 है तो ये 3q plus 1 हो जाएगा, 3q plus 1, तो ये a square क्या हो जाएगा 3q plus 1 का whole square, लगाओ जी a plus b whole square, क्या हो जाएगा a square 9q square, 2ab 6q, b square 1, a square plus 2ab plus 1, यहां से कॉमन क्या आ गया 3, ये क्या रह जाएगा 3 कॉमन लेने से 3q square plus 2q plus 1, ये हमारा क्या आ गया m, तो ये आ गया 3m plus 1। ये मैंने एज्यूम कर लिया ना कि 3 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, 3q square इंटीजर, तो 2q इंटीजर, तो 3q square plus 2q is also इंटीजर, तो इसका नया नाम मैंने एक इंटीजर m दे दिया, तो स्क्वायर बिकम इन द फॉर्म ऑफ 3m plus 1। ये कहता है कि किसी भी हालत में किसी भी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म या तो 3m होगी या 3m plus 1 होगी, तो पहला आंसर स्क्वायर आ गया 3m और दूसरे आंसर के केस में स्क्वायर आ गया 3m plus 1, लेकिन मुझे तो तीसरा केस भी लेना है। तीसरा केस क्या है, केस 3 ये है कि इफ r इज इक्वल टू 2 तो a का आंसर आ जाएगा 3q plus 2, तो यहां से a स्क्वायर हो जाएगा 3q plus 2 का होल स्क्वायर। लो जी ये हो गया a स्क्वायर 2ab that is 12q plus b square यानी 4। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गई, ये जो 4 है ये 3 से तो ज्यादा है और 3 का मल्टीपल भी नहीं है, तो इसका ब्रेकअप करना जरूरी है, इसे लिख दिया मैंने 3 plus 1। तो अब देखिए जी 9q square 12q plus 3, इसमें से कॉमन ले लो 3, तो ये बन जाएगा हमारा 3 कॉमन 3q square plus 4q प्लस 1 प्लस 1, तो अल्टीमेटली क्या हो गया 3 का कोई मल्टीपल प्लस 1, तो इस केस में a स्क्वायर हो गया 3m plus 1, जहां क्लियर कट ये जो वैल्यू है आपकी ये क्या है m, 3q square plus 4q plus 1 इज कंसीडर्ड एज m, ये मेंशन कर देंगे, तो क्या पता चला जी कि a स्क्वायर इज 3m plus 1। तो अल्टीमेटली आप क्या कह सकते हो कि स्क्वायर 3m आ रहा है, स्क्वायर 3m plus 1 आ रहा है, स्क्वायर 3m plus 1 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं किसी भी नंबर का जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m plus 1 की फॉर्म में होगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर
चार, और जो क्वेश्चन नंबर पांच है वो क्यूब के लिए है, लंबा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको आपकी इच्छा के लिए छोड़ रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इस तरह से आज मेरी दो वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 तक के क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, थ्योरी, कंसेप्ट खत्म होता है। अब मेरे अगले वीडियो में जो मैं कोशिश करूंगा आज ही आपके लिए किसी तरह से डालूं, उसमें एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, दैट इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है इरेशनलिटी का वो, और उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक है जिसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के क्वेश्चंस हैं वो। धीरे धीरे आपकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ किसी तरह से कुछ मदद हो जाए, देन आई विल फील कि चलो इस संकट के टाइम में मैं कुछ तो अपने बच्चों के लिए कर पाया, बिकॉज यू पीपल आर द फ्यूचर, एंड हमारे जैसे लोग जिनको बोल देते हैं नेशन बिल्डर। तो आई होप आप हमारी जो इंस्ट्रक्शंस और रिक्वेस्ट हैं उनको फॉलो करेंगे, और आप कुछ थोड़ा बहुत घर पे वीडियोस देख देख के प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग किताबों से जो आपको इच्छा करे, लेकिन पढ़ते रहिए, देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, यू विल एंजॉय। थैंक यू सो मच।